The next topic is the wetting phenomenon. Wetting term, if you can tell ki wetting kya cheez hoti hai bache, wetting hoti hai एक एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जहां पे आपका इंटीमेट कंटैक्ट होगा किसके किसके बीच में, एक सॉलिड और लिक्विड के बीच में, ठीक है, उसी को आप वेटिंग कहते हो ना, गीला होना, है ना. वेटिंग इज एन एड्सॉर्प्शन फिनोमिनन जहां आपका इंटीमेट कंटैक्ट बन रहा है, और यू कैन से दैट यू आर गेटिंग अ सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, जहां आपकी प्रेजेंस ऑफ एनी गैस इन बिटवीन दीज टू थिंग्स वो निग्लिजिबल हो जाती है ना, आपका सॉलिड इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद लिक्विड आ जाता है. वेयर दिस वेटिंग फिनोमिनन इज इम्पॉर्टेंट इन फार्मेसी, फार्मेसी फील्ड में वेटिंग फिनोमिनन कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस रखता है. सबसे पहले आपकी प्रेपरेशंस लाइक सस्पेंशंस और इमल्शन, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ही ये होता है कि आपने सॉलिड कंपोनेंट्स को लिक्विड के डायरेक्ट कंटेक्ट में लेके आना है, ठीक है. सस्पेंशन और इमल्शंस में इजीली सॉलिड इज नॉट गोइंग टू माय लिक्विड, तो मेरी क्या टेंडेंसी होती है कि मेरा मैक्सिमम सॉलिड कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद लिक्विड, इट गेट वेट विद माय लिक्विड कंपोनेंट्स, ठीक है. सेकेंड, ग्रैनुलेशन प्रायर टू टेबलेटिंग. टेबलेट्स जब हम बनाते हैं ना, तो सारे कंपोनेंट्स को इधर वी कैन डायरेक्टली कंप्रेस इट, जो भी मेरी मेडिसिन है अलॉन्ग विद एक्सीपियंट्स उनको मैं डायरेक्टली कंप्रेस कर सकती हूँ. मेजरली डायरेक्ट कंप्रेशन ना यूज करके हम ग्रैनुलेशन मेथड यूज करते हैं, जहाँ पे सारे कंपोनेंट्स को पहले हम ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पाउडर्स को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं. ग्रैन्यूल्स हम कैसे बनाते हैं, एक्सीपियंट्स में ऐड करते हैं बाइंडिंग एजेंट्स, ठीक है. बाइंडिंग एजेंट्स मेरे एक्सीपियंट्स को इकट्ठा रखते हैं, एंड दे विल कन्वर्ट माय पाउडर एक्सीपियंट्स इनटू ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्यूल्स को कंप्रेस करना इजी हो जाता है एज कंपेयर टू पाउडर्स, ठीक है बच्चे. सो हियर आल्सो आई वांट कि मेरे पाउडर्स का डायरेक्ट कंटेक्ट हो विद द बाइंडिंग एजेंट विच विल कंटेन सम लिक्विड इनटू, ठीक है. बाइंडिंग एजेंट में कोई ना कोई लिक्विड प्रेजेंट होगा जो मेरे सारे पाउडर्स को पहले वेट करेगा, उसके बाद मेरे पाउडर्स जो हैं वो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे. हियर माय वेटिंग फिनोमिनन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, जब मैं फिल्म कोटिंग की बात कर रही हूँ, मैं अपनी टेबलेट को कोट करना चाहती हूँ, मैं अपने पाउडर को कोट करना चाहती हूँ, व्हाट आई वांट कि मेरी टेबलेट सरफेस पे मेरा कोटिंग सोल्यूशन जो कि लिक्विड होगा वो प्रॉपरली स्प्रेड हो, उसको वेट करे एंड मेरी प्रॉपर कोटिंग मुझे मिल जाए, ठीक है बच्चे. फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरी डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग फ्रॉम अ टेबलेट एंड अ कैप्सूल. टेबलेट एंड कैप्सूल मैंने क्यों बनाई थी अपनी मेडिसिन की, ताकि मैं पेशेंट एक्सेप्टेबल फॉर्म में अपनी ड्रग को कन्वर्ट कर सकूँ, पेशेंट इजिली उसको ले सके. वंस दैट टेबलेट और कैप्सूल रीचेज योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है, देन द ड्रग हैज टू गेट रिलीज फ्रॉम दैट टेबलेट और कैप्सूल. उसको उस टेबलेट और कैप्सूल को छोड़ना पड़ेगा, एक्सीपियंट्स को छोड़ना पड़ेगा, सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा. हेयर जो डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, देयर वेटिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर मेरे बॉडी के फ्लूइड्स, मेरे ल्यूमन के फ्लूइड्स, मेरे टेबलेट के कंपोनेंट्स को वेट ही नहीं करेंगे, तो मेरी ड्रग जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में आएगी नहीं. So you can easily identify that wetting phenomena holds a very great importance in our pharmacy field. In wetting phenomenon, you will encounter one term which is called the contact angle. यहाँ आपको एक term मिलेगी जिसको आप contact angle बोलोगे. Contact angle क्या है, ये वो angle होगा between my liquid drop, मेरी liquid की drop और surface के बीच में जो angle बन रहा है, that is my contact angle. दिस कंटैक्ट एंगल विल डिटर्मिन कि मेरा सब्सटेंस वेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हेयर आई हैव शोन फ्यू फिगर्स. कंटैक्ट एंगल इज शोन बाय थीटा, थीटा की फॉर्म में आप शो करते हो कंटैक्ट एंगल. इन द फर्स्ट फिगर अगर आप देखो, तो यहाँ पे मेरी, दिस इज माई सर्फेस, ये मेरी सर्फेस है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई ग्लास सर्फेस, उसमें मैं वाटर डाल रही हूँ, वाटर स्प्रेड्स प्रॉपरली, है ना, वो उसको प्रॉपरली वेट कर देता है, सो माई कंटैक्ट एंगल इज जीरो हो रही है, ठीक है. ये मेरी एग्जाम्पल है जहाँ मेरा कंटैक्ट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. यू कैन इजिली सी ओवर हेयर, ये मेरी ड्रॉपलेट है जो एक सर्फेस पे स्प्रेड नहीं हुई प्रॉपरली, उसका कंटैक्ट एंगल लेस देन 90 है. इट कैन बी 90, इट कैन बी मोर देन 90, और मैक्सिमम कितना कंटैक्ट एंगल जा सकता है आपका, जीरो से लेके
180 तक आपका कंटैक्ट एंगल जो है वो वेरी कर सकता है, 180 से ऊपर कंटैक्ट एंगल आपका नहीं जा सकता, ठीक है बच्चे। सो हियर इफ यू लुक एट दिस फिगर, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, ये वाली फिगर को, ये वाली फिगर को, हियर यू विल फाइंड दिस इज माई सर्फेस, ये मेरी सर्फेस थी, ये मेरी ड्रॉप थी, ठीक है बच्चे। दिस इज माई कंटैक्ट एंगल थीटा। हियर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरफेशियल टेंशन आर वर्किंग। फर्स्ट इज योर रो एस, विच इज द इंटरफेशियल टेंशन, और यू कैन से द सर्फेस टेंशन बिटवीन द सॉलिड सर्फेस एंड द गैस, बिकॉज ये सॉलिड सर्फेस और गैस के बीच में है, इसीलिए इसको रो एस बता रहे हैं हम, इट इज अ सर्फेस टेंशन। सेकेंड इज द सर्फेस टेंशन ऑफ दिस लिक्विड सर्फेस, है ना, लिक्विड और गैस के बीच में टेंशन है, ये एक इंटरफेस यहाँ पे वर्क कर रही है। थर्ड इंटरफेस यहाँ पे क्या है, इंटरफेस बिटवीन योर यू नो सॉलिड एंड अ लिक्विड, यहाँ पे मेरा सॉलिड था और ये लिक्विड था, इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री है, एक मेरी सॉलिड और गैस के बीच में बाउंड्री है, थर्ड इज बिटवीन योर लिक्विड एंड द गैस। सो एट इक्विलिब्रियम द रिलेशनशिप विद योर कंटैक्ट एंगल इज गिवन बाय यंग्स इक्वेशन, इट इज गिवन बाय यंग्स इक्वेशन विच स्टेट्स दैट रो एस, दैट इज द सर्फेस टेंशन ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू रो एल एस, इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड प्लस रो एल कॉस थीटा, दिस इज योर यंग्स इक्वेशन, ठीक है। रो एस इज योर सर्फेस टेंशन ऑफ द सॉलिड, रो एल एस इज योर इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड, रो एल इज योर सर्फेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। सो इफ यू रीअरेंज इट यू विल गेट cos theta is equal to minus rho sl plus rho s divided by rho l, ठीक है बच्चे, ये आपको रिलेशनशिप मिल जाएगी बिटवीन द cos theta। जितना कंटैक्ट एंगल कम है, जितना कंटैक्ट एंगल, जितना थीटा मेरा कम है, उतनी बेटर वेटिंग होगी, ठीक है। अगर मैंने थीटा को कम करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मेरी रो एस को मैं इंक्रीज कर दूं, थीटा को कम करना है दैट मींस कॉस थीटा को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। आई वांट थीटा लेस और आई वांट कॉस थीटा मोर, कॉस थीटा को ज्यादा कैसे कर सकती हूँ, या तो न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दूं या डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दूं। अब न्यूमरेटर में मेरे पास टर्म्स हैं रो एस विच इज द सॉलिड सरफेस टेंशन, है ना, मेरी सॉलिड की सरफेस टेंशन, सॉलिड की सरफेस टेंशन हम इजीली नहीं मेजर कर सकते, कोई कन्वीनियंट मेथड नहीं है हमारे पास, सो इसको मैं ऑल्टर नहीं कर पाऊंगी टू डिक्रीज माय कॉस थीटा। रो एस एल बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड बहुत रिलायबल मेथड नहीं है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, है ना, सो आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब दिस पर्टिकुलर थिंग, इसके साथ मैं प्ले नहीं करना चाहती। This I can easily measure and I can easily change to rho l को मैं easily measure भी कर सकती हूँ। हमने starting में ही different different methods किए थे surface tension find out करने के of the liquid surface, और इसको मैं easily alter भी कर सकती हूँ। कैसे alter कर सकती हूँ, by adding surfactant। जैसे ही मैं surfactant add करूँगी rho l will decrease, मेरी रो एल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, सर्फेक्टेंट सर्फेस टेंशन को रिड्यूस करता है, रो एल क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर में है इट विल इंक्रीज माय कॉस थीटा को वो इंक्रीज करेगा और इट विल डिक्रीज माय थीटा। सो यू कैन से बाय एडिशन ऑफ अ सर्फेक्टेंट यू आर इंक्रीजिंग द वेटेबिलिटी बाय डिक्रीजिंग द कंटैक्ट एंगल, आप वेटेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो बाय डिक्रीजिंग द कंटैक्ट एंगल। अब हमने एच एल बी स्केल की थी सर्फेक्टेंट की, फ्रॉम दैट एच एल बी स्केल योर एच एल बी 6 to 9 वाले सर्फेक्टेंट्स जो बिटवीन 6 to 9 लाई करते हैं दे आर गुड वेटिंग एजेंट, वो आपके कंटैक्ट एंगल को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देंगे एंड दे कैन बी यूज एज अ वेटिंग एजेंट फॉर ऑल द एप्लीकेशंस वी हैव। वी हैव अ वेरी स्मॉल टर्म कॉल्ड द क्रिटिकल सर्फेस टेंशन। क्रिटिकल सर्फेस टेंशन क्या चीज होती है,
इफ वी प्लॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन आर कॉस थीटा, अगर हम कॉस थीटा एंड सर्फेस टेंशन के बीच में रिलेशनशिप प्लॉट करें, वी विल गेट अ कर्व, एक लीनियर रिलेशनशिप हमें मिल जाती है. अगर मेरा सॉलिड सर्फेस मैंने फिक्स कर दी है एंड आई मेजर द सर्फेस टेंशन एंड द कंटैक्ट एंगल फॉर दैट सॉलिड सर्फेस, तो मुझे एक लीनियर रिलेशनशिप मिल जाती है. इस लीनियर रिलेशनशिप पे एट कॉस थीटा इक्वल टू वन, जहाँ पे कॉस थीटा मेरा वन के बराबर है, वहां पे जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सर्फेस टेंशन होती है, दैट इज योर क्रिटिकल सर्फेस टेंशन विच इज डेजिग्नेटेड बाय रो सी. सो द सर्फेस टेंशन ऑब्टेन्ड टू कॉस थीटा इक्वल टू वन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सर्फेस टेंशन है, दैट इज माय क्रिटिकल सर्फेस टेंशन. क्रिटिकल सर्फेस टेंशन सॉलिड्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रखती है, स्पेशली इन द केस ऑफ कोटिंग योर टेबलेट्स और पाउडर्स. अगर आपके पास फॉर अ पर्टिकुलर सॉलिड सर्फेस, एक सॉलिड सर्फेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर्स की क्रिटिकल सर्फेस टेंशन रिपोर्टेड है, आपको पता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर सॉलिड, सॉलिड होगा मेरा टेबलेट की सर्फेस, उसके लिए उस पॉलीमर की क्या क्रिटिकल सर्फेस टेंशन है, यू कैन इजिली फाइंड आउट कि कौन सा पॉलीमर मेरा इवनली स्प्रेड होगा और कौन सा नहीं स्प्रेड होगा. ठीक है बच्चे, कौन सा प्रॉपरली उसको कोट करेगा और कौन सा नहीं कोट करेगा. जितनी मेरी रो सी की वैल्यू इंक्रीज होती है, जितनी मेरी क्रिटिकल सर्फेस टेंशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, उतनी मेरी वेटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, उतनी मेरी वेटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी. सो आई वॉन्ट माई रोसी टू बी हायर. ठीक है, आई विल सिलेक्ट दैट इंग्रेडियंट, आई विल सिलेक्ट दोज पॉलीमर्स जिनकी रोसी विल बी हायर. और जब मैंने कोटिंग करनी है, आई कैन एड सम सब्सटेंस ऑन माई सर्फेस जो कि मेरी रोसी को इम्प्रूव करता हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू कोट एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की एक टेबलेट को मैंने कोट करना है यूजिंग सम पॉलीमर्स, पॉलीमर्स की अपनी रोसी थी, उसको मैं ऑल्टर नहीं कर पाऊंगी. बट इफ आई एड सम सब्सटेंसेस, सम लुब्रिकेंट्स विच इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ रोसी, जो रोसी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, देन आई कैन ईजिली सेलेक्ट पॉलीमर ऑफ माई इंटरेस्ट और मेरी कोटिंग प्रॉपर हो जाएगी. Here I have two examples. If I select some lubricants like magnesium stearate, मैं use कर रही हूँ, which is a very common lubricant. Magnesium stearate जैसे lubricants basically increases the number of groups like CH2, CH3. ऐसे groups जब increase हो जाएंगे आपकी surface पे, तो क्या होता है, आपकी surface tension reduce हो जाएगी. ठीक है, वो lower कर देंगे रोसी को. I don't want this type of condition, so I will not select this type of lubricant जब मुझे कोई particular polymer use करना है for coating. On the other hand, if I add some lubricants like starch or cellulose जिनमें higher amount of OH or O group है surface पे, they will increase the ROSI. वो रोसी को इंक्रीज कर रहे हैं, क्रिटिकल सर्फेस टेंशन को इंक्रीज कर रहे हैं, एंड आई कैन इजिली यूज दिस टाइप ऑफ लुब्रिकेंट व्हेन आई वांट टू कोट माय टेबलेट विद सम पॉलीमर. सो अगर मुझे क्रिटिकल सर्फेस टेंशन अपने सॉलिड की एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन पता है, देन आई कैन इजिली प्रिडिक्ट कि कैसी कंडीशंस मैंने यूज करनी है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग दैट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जितनी हायर वैल्यू ऑफ रोसी होगी उतनी वेटिंग ज्यादा है. सो आई विल सेलेक्ट दोज कंडीशन, वो पॉलीमर सेलेक्ट करूंगी, वो लुब्रिकेंट सेलेक्ट करूंगी जिनकी रोसी हायर हो, ताकि मेरी स्प्रेडिंग प्रॉपर हो एंड मेरी जो कोटिंग है वो प्रॉपर हो सके. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इज योर वेरी सिंपल टॉपिक, डिटर्जेंसी. डिटर्जेंसी क्या है? डिटर्जेंसी आपकी प्रॉपर्टी है सर्फेक्टेंट्स की, जब आप उसको ऐड करते हो, टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट. किसी भी सबस्ट्रेट से डर्ट को रिमूव करना सर्फेक्टेंट्स को यूज करके, दैट इज योर डिटर्जेंसी प्रोसेस. ठीक है, मेरी HLB स्केल पे अगर मैं सर्फेक्टेंट सेलेक्ट करना चाहती हूँ जो कि परफेक्ट डिटर्जेंट्स बन सकते हैं, दैट इज बिटवीन 13 टू 16.
13 to 16 के बीच वाले सर्फेक्टेंट्स दे आर वेरी गुड डिटर्जेंट्स. वो डिटर्जेंसी बहुत इफेक्टिवली शो करते हैं. वी ऑल नो हाउ डिटर्जेंट्स वर्क, ये हमें पता भी है. एंड इफ वी वॉन्ट टू समराइज, जस्ट लुक एट दिस फ्लो डायग्राम. इनिशियली यू हैव अ डर्ट ऑन योर सर्फेस. सर्फेस आपकी कुछ भी हो सकती है, ग्लास हो गया, फेब्रिक हो गई, स्किन हो गई, ठीक है. आप डिटर्जेंट ऐड करोगे बिटवीन द एच एल बी ऑफ 13 to 16, वो क्या करेगा, वो वेटिंग को इम्प्रूव करेगा एंड इट विल यू नो कवर योर डर्ट पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट ऑन योर सर्फेस, उसको कवर करेगा. अब आपकी डर्ट 3 तरह की हो सकती है. फर्स्ट आपकी सॉल्युबल डर्ट होगी, ठीक है. सेकेंड आपकी इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उस डर्ट में. थर्ड आपके ऑयल बेस्ड डर्ट हो सकती है, ठीक है. सॉल्युबल डर्ट तो डायरेक्टली आपकी वाटर, बिकॉज यू आर एडिंग वाटर वाइल वॉशिंग और डिटर्जेंट वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी, इट विल गेट सॉल्युबलाइज इन टू योर यू नो लिक्विड मीडिया, है ना. सॉलिड में, लिक्विड में, वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाएगी. इन बेटर कैसे हो जाएगी, बिकॉज यू आर एडिंग सर्फेक्टेंट. सेकेंड इज द केस वेन वे यू वॉन्ट टू रिमूव दैट इनसॉल्युबल सॉलिड्स. इनसॉल्युबल सॉलिड्स कैसे आपके सॉल्युबलाइज होंगे, बाय फॉर्मिंग डी फ्लॉक्स ऑफ दैट डर्ट. जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो आपके सर्फेक्टेंट्स जो माइसल्स वगैरह बना रहा है उसमें इंट्रैप हो जाएंगे, इंटेंगल हो जाएंगे, डीफ्लॉकुलेट हो जाएंगे एंड दे विल गेट कन्वर्ट इन टू द सॉल्युबलाइज फॉर्म. वो अपनी सर्फेस को छोड़ देंगे. थर्ड आर द केसेज वेयर यू आर ट्राइंग टू सॉल्युबलाइज द ऑयल सॉल्युबल डर्ट. ऑयल सॉल्युबल डर्ट को आप कैसे सॉल्युबलाइज करोगे, यू विल फॉर्म एन इमल्शन इन द प्रेजेंस ऑफ योर सर्फेक्टेंट. फेस स्मॉलर में क्या है, ऑयल, ऑयल इन वाटर इमल्शन बन जाएगी. स्टेबलाइज कैसे होगी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट. सर्फेक्टेंट मेरे ऑयल ड्रॉपलेट्स, जो भी ऑयल डर्ट है उसके सराउंडिंग में मोनोलेयर बना लेंगे एंड इट विल कैरी दैट डर्ट फ्रॉम द सर्फेस टू द वॉटर इन विच वी वॉन्ट टू रिमूव दैट डर्ट, ठीक है. तो तीनों तरह की डर्ट आपकी नाव, it has left your solid surface and it has moved to your liquid, water mein move ho gayi hai. So we will make a foam jisme mere dirt particles entangle ho jayenge and we will wash your surface and the dirt will get removed. And what we will get? We will get a clean surface, theek hai. So the detergency process jo aap बहुत सिंपल समझते हो, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स, बहुत मल्टीपल स्टेप्स उसमें एक्ट करते हैं. कौन फैसिलिटेट करता है, द डिटर्जेंट विच यू आर एडिंग विच इज नथिंग बट योर सर्फेक्टेंट विच लाइज इन द एच एल बी ऑफ 13 to 16, ठीक है बच्चे. विद दिस वी कंप्लीट आर मॉड्यूल 3.